सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक जगह हम शराब पर बोलने गए तो शराब पर हम भाषण दे रहे थे, हमको पता नहीं था, हम तो बोल रहे थे और कोई पीने वाला बैठा था तो वो हमसे कह रहा था, आचार्य जी आप शराबियों की बुराई कर रहे हैं। हमने कहा क्यों? आपको मालूम नहीं है शराब पीने वाले व्यक्ति को तीन फायदे होते हैं। तो हमने कहा बड़ी अजीब बात कह रहे हो, शराब पीने वाले को तीन फायदे होते हैं। यद्यपि इटावा में तो कोई पीता नहीं, मैं तो एक बात बता रहा हूं, इटावा के लोग बहुत सज्जन है, कोई बता रहा था यहां कोई पीता ही नहीं, फिर भी एक अंदाज में कह रहा हूं। वो कह रहा था शराब पीने वाले व्यक्ति को तीन फायदे होते हैं। नंबर एक, शराबी व्यक्ति को जिंदगी में कभी कुत्ता नहीं काट सकता। नंबर दो, शराबी के घर में चोरी नहीं हो सकती। नंबर तीन, शराबी को बुढ़ापा नहीं आ सकता। तो मैंने कहा कैसे मान लूं? उसने कहा प्रमाण दे रहा हूं, शराबी व्यक्ति को जिंदगी में कभी कुत्ता नहीं काट सकता। क्यों? बोले शराबी को कुत्ता चाट सकता है, चाटने के बाद कुत्ता समझ जाएगा कि ये हमसे भी बड़ा है इसीलिए नाली में पड़ा है। तो मतलब अपनी पार्टी समझ के छोड़ देगा कि भाई साहब अपन तो घर की बात है ना, कभी कभी हम नाली में पड़े होते हैं, कभी कभी आप नाली में पड़े होते हैं, इसलिए शराबी को कुत्ता चाट सकता है, काटने की जरूरत नहीं समझेगा। नंबर दो, शराबी के घर में चोरी नहीं हो सकती। क्यों? बोले वो चोरी के लिए घर में कुछ छोड़ेगा ही नहीं, उसका मौका लगे को पेंट बेच दे, को साइकिल ही बेच दे, मोबाइल ही बेच दे, क्या करे उसकी लीला अपरंपार। तो चोर की जरूरत नहीं है उसके घर में, वो खुद ही चोरी कर लेगा। नंबर तीन, शराबी को बुढ़ापा नहीं आता है। क्यों? बोले बुढ़ापे का स्कोर ही नहीं है, वो तो 40-45 में किडनी फेल, 48 में सब फेल, 50 के भीतर सीताराम, वो तो जहर है ना, इसके भीतर स्कोर ही नहीं है साहब, कितनी गलत चीज है। राम राम राम, विचार करो, आप चिंतन करो, हम आपको दोनों ढंग से समझा रहे हैं। देखो विचार करना, हम कोई जबरदस्ती थोप नहीं रहे, ईमानदारी से बोलना। पंडाल में बैठे हो, आपके घरों में कढ़ी बनती है ना, पूरे पंडाल से हाथ उठा करके आपको हां ना का उत्तर देना है। कढ़ी की कढ़ाई को बिना मांजे, बिना धोए क्या उसमें खीर बन सकता है? अगर आपका उत्तर ना है तो हाथ हिला दीजिए और हमको स्क्रीन पे देखना है। जरा ब्रजेश भाई दिखाइए जरा कि कितने लोग उत्तर हां ना में दे रहे हैं, ताकि हमें पता लगे इटावा का उत्तर हां है या ना है। आपका उत्तर ना में है, अभी हम देख रहे हैं, हम उसको समझते हैं कि आपने ना में उत्तर दिया है। आप हाथ हिला रहे हैं कि हमारा उत्तर ना है। कढ़ी की कढ़ाई को बिना मांजे, बिना धोए उसमें खीर नहीं बन सकता, ये आपका उत्तर है, ठीक है ना? पक्का? एकदम पक्का। ऐसा तो नहीं है कि फिर आप थोड़ी देर में पलट जाएं, आप कहें कि नहीं मैंने समझा नहीं था, पलटना नहीं। देखो पक्की बात है, कढ़ी की कढ़ाई को बिना मांजे उसमें खीर नहीं बनेगा। तो जिस हृदय में परमात्मा को बिठाना चाहते हो, अगर इसी में तुमने शराब मीट मांस गांजा भांग भर दिया, वो कभी नहीं बैठेगा, इसे मांजना पड़ेगा। ये कोई कबाड़े की दुकान है क्या? आपकी जो मर्जी है इसी में भरते चले जा रहे हो, ये कबाड़े की दुकान नहीं है। कढ़ी की कढ़ाई को बिना मांजे खीर नहीं बनती। जिसमें परमात्मा को बिठाना है, ठाकुर जी को बिठाना है, उस हृदय में ये गंदी चीजें तो दूर दूर तक नहीं आना चाहिए।